तो पावर बीआई की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं विजुलाइजेशन। हमने ये विजुलाइजेशन आपके साथ डिस्कस कर लिया था, हम नीचे वाले विजुलाइजेशन की बात करेंगे जिसमें सबसे पहला आता है मैप। ओके, मैप। तो मैप में मतलब कि क्या होता है कि आपका डेटा कभी कभी ऐसा आता है जो आपको जो ज्योग्राफिकल डेटा चाहिए होता है, समझे? तो आपके पास दो मैप है, एक मैप है, दूसरा आपका फिल मैप, फिल्ड मैप। सबसे पहले मैप को देखते हैं। देखिए, मैप से पहले आपके पास ज्योग्राफिकल डेटा होना चाहिए, जैसे कि सिटी, ठीक है? तो सिटी को मैंने यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को यहाँ पर, और जो मैप यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो आपका मैप है वो विंग से आ रहा है, आ रहा है ना? तो wing.com जब तक नहीं खुलेगा तब तक आपका मैप लोड नहीं होगा। सो मैप आपके पास होना चाहिए। दूसरा डेटा जिसे यहाँ पे देख रहे पा रहे हैं कि ये आपका डेटा आपको दिख रहा है ना सर, तो ये आपका यहाँ पे आया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना कोई और स्टेट का सिटी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पॉपुलर सिटी को देखता है, मान लीजिए कि आपका इस्लामाबाद इंडिया में भी है और आपका पाकिस्तान में भी है, लेकिन इंडिया में एक छोटा सा गांव है लेकिन पाकिस्तान में पूरा पूरा एक शहर है, तो शहर उस शहर को ले लेगा ना कि इंडिया को ले। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए इस आपका डेटा में बेटर होगा कि आप जो है अपना लैंगिट्यूड और लेटिट्यूड का इस्तेमाल कर लें, ठीक है? हाँ, लैंगिट्यूड और लेटिट्यूड, अक्षांश और दिशांश। ओके, पीछे आवाज आ रही है सर, समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर सर। लैंगिट्यूड और लेटिट्यूड उसका इस्तेमाल करेंगे तो करेक्ट दिखाएगा, ठीक है? उसके बाद ये हम ये दिखा रहा है कि हमारा जो है किस किस सिटी में कितना शेड है। तो जो बबल्स आपको दिख रहा है ना, जितना बड़ा बबल्स है उतना ज़्यादा शेड हुआ। जैसे इसमें देखिए, यहाँ आपका पुणे में 42 और 43 है, सबसे बड़ा बबल है क्या? मुंबई में जो है कम है तो छोटा है बबल। तो बबल उसी हिसाब से तैयार होता है। अब मैं मान लीजिए कि लेजेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोकेशन आ गया पहला, दूसरा आता है लेजेंड, तीसरा आता है लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे आपका साइज। तो जो साइज में हमने क्वांटिटी को रखा ताकि उस क्वांटिटी के हिसाब से साइज बड़ा हो। अब मैं लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड तो है नहीं मेरे पास, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे लेजेंड है तो मैं नेम को लेजेंड में रखता हूँ, तब क्या होता है देखिए, जब नेम को लेजेंड में आप रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए इस तरह का बन के आ जाता है, समझे? उदयपुर में विकास 1205, ये आपका पंकज, ये आपका दिख रहा है सर? अब इसी को अगर मैं जाता हूँ यहाँ फॉर्मेट में आता हूँ, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ है आपका कैटेगरी है, कैटेगरी पे क्लिक कीजिएगा तो सिटी का नाम भी दिख जाएगा, दिख गया सर? डेटा कलर्स, अलग अलग नेम के लिए अलग अलग कलर्स हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैप का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो एक क्या है रोड है, आप इसको आप जो है एरियल करेंगे तो एरियल हो जाएगा इस तरह से, ये आपका डार्क करेंगे तो डार्क हो जाएगा। अगर आप इसका यूज कब करते हैं, जो हमें पता चला अपना सिटी दिखाना है, बाकियों पे ध्यान ना जाए। लाइट करते हैं तो लाइट दिखेगा इस तरह से, हाँ, ग्रे स्केल करते हैं तो ग्रे स्केल दिखेगा, और बाय डिफॉल्ट आपका रोड होता है तो रोड में जिसमें रोड सर्कल लाइनिंग सब दिखता है ये आपका होता है। शो लेबल, लेबल हटा दीजिए तो बाकी सिटी दिखेगा ही नहीं सर, सिर्फ आपका ही सिटी दिखेगा, ठीक है सर? ओके, उस पर टाइटल बैकग्राउंड है ही आपका, ये बाकी बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर देना है तो ये चार्ट का बॉर्डर आता है, शैडो वगैरह ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है सर? ओके, अब कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ कैटेगरी का कलर है और बाकी चीज यहाँ पे दिख रही है, बैकग्राउंड कलर है कैटेगरी का और इसकी ट्रांसपेरेंसी है, सिंपल है, इसमें कुछ चेंजिंग कलर है नहीं। डेटा कलर आपके सामने दिख रहा है कि डेटा कलर कैसा होना चाहिए,
तो हर किसी का अलग अलग डेटा कलर है। जनरल में आपका पोजीशंस वगैरह होता है, लेजेंड्स आपका नॉर्मल है, इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। बबल्स, बबल्स की साइज जो है -10 है, इसमें आगे आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ जाए ठीक है सर। ओके, बड़ा साइज दिखाना चाहते हैं तो बड़ा साइज दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आता है ऑटो जूम, ये ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा, और नॉर्मल करेंगे तो मैनुअल रहेगा ठीक है। क्या चाह रहा है, क्या बोले? मैं ये कह रहा हूँ वो तो डाटा बता देगा ना कि क्या क्या चाहिए। हाँ हाँ, और इसके जब एनालिटिक्स में जाते हैं तो कुछ नहीं है, इसमें मैप एनालिटिक्स कुछ नहीं होता है। तो ये आपने मैप जो पढ़ा, मैप चार्ट के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं फील्ड मैप चार्ट के। अब जो है हम यहाँ पे लेते हैं अपना फील्ड मैप चार्ट, फील्ड मैप चार्ट, अब इसको हम लेते हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि मान लीजिए कि यहाँ सिटी तो देना ही है, सिटी के बगैर तो काम चलेगा नहीं, और फिर मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी डाल दिया टूल, यहाँ ये ऑटोमेटिक टूल टिप पे क्वांटिटी चला गया है। तो सिटी है लेजेंड, हम लेजेंड में क्वांटिटी रखते थे क्या होता नहीं, ये एक एक करके अलग हो जाता है। सर इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्यों नहीं डाला नहीं हो? सर मेरे पास डेटा नहीं है ना सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, हमारे डेटा में सिटी का नाम है। ओके ओके, तो जो मेरे पास रहेगा तो मैं डालूंगा, समझे? तो भी क्वांटिटी को हटाता हूँ मैं यहाँ से, अब यहाँ नेम को रखता हूँ इस पे लेजेंड ठीक है। तो देखिए नेम रखने से जहाँ जाता हूँ वहाँ एक कलर हो, एरिया कलर हो गया, हो गया ना सर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम फिगर वगैरह नहीं देते हैं, ये फील्ड मैप जो सिटी रखेंगे उस सिटी को फिल कर देता है। अब देखिए मैं इसको हटाऊंगा तो इस आपका जो है ये फील्ड दिख रहा है ना आपको, ये मतलब कि इसी सिटी में हमारा वर्क हुआ है, कितना हुआ है क्या हुआ है ये चीजें यहाँ शो नहीं करती है ठीक है। अगर मैप कंट्रोल में आप जाते हैं, अब यहाँ पे डेटा कलर्स भी है तो कलर को चेंज करके मैं ये काम करता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ तो दिखेगा ज़्यादा, शो ऑल सारे ब्लैक हो गए। अलग अलग सिटीज हैं, आप अलग अलग सिटी का अलग अलग कलर कर सकते हो आप इस पर अपने हिसाब से ठीक है। मैप कंट्रोल में ऑटो जूम है, जूम बटन्स देना चाहते हो, मैप स्टाइल रोड है, रोड के जगह पे मैं इसको गेज स्टाइल कर देता हूँ, उसके जगह पे लाइट कर देता हूँ ठीक है। टाइटल है, बैकग्राउंड, बाकी सब तो नॉर्मल है, इसमें कोई खास नहीं। एक काम और कर सकते, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, यहाँ से डार्क, और डार्क पे पता ही नहीं चल रहा है मेरा क्या है, तो हम क्या करेंगे डेटा कलर में आएंगे और जो डेटा कलर है वो वाइट कर देंगे ठीक है। okay. उसे आपका दिख जाएगा, और खास इसमें नहीं, इसका यूज हम लोग उतना खास नहीं करते हैं, तो बस देखना होता है कि आखिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ शहर में कितनी स्टाइल वगैरह हुई बदली हुई है। लेबल्स हटा दिए आपके सामने ठीक है, तो ये आपको दोनों चार्ट समझ में आ गए? ओके सर आ गए।